हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक नए गेम प्ले वीडियो में। आज के इस एपिसोड में मैं कंप्लीट करने वाला हूं अपने स्पेशल सोलो ऑब्जेक्टिव्स जो आप सभी लोगों को आए होंगे। किसी ने बहुत जल्दी कर लिए होंगे, मेरे अभी तक नहीं हुए हैं भाई। मैं इसलिए आज ये करने वाला हूँ। आज कोई क्वेस्ट वेस्ट नहीं खेलेंगे, आज हम यही करेंगे कंप्लीट। मैं सोच रहा हूँ ये जो ड्रीम टीम कॉन्कर सबसे लास्ट वाला है जिसमें हमें एक्ट फाइव में फाइव स्टार वाले चैंपियंस को हराना होगा, मतलब कि वो वहाँ पे फाइव स्टार ही है। तो एक्ट फाइव के चैप्टर वन से लेकर चैप्टर टू के बीच में कोई भी चैंपियन, कोई भी पाथ ले लो, हमें वो चैंपियंस को हराना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम मैं दो पाथ लूँ, लेकिन लेवल अप इवेंट भी आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ लेवल अप भी कर लेते हैं आप लोगों के सामने और देखते हैं कौन सा लेवल अप करते हैं, एंड कुछ ड्यूअल्स भी करने हैं और भाई देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले लेवल अप इवेंट में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं लेवल अप इवेंट में कौन सा चैंपियन है जो मैं रैंक अप कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं रैंक अप करना चाहता हूँ कैप्टन मार्वल को, रैंक अप करना चाहता हूँ क्योंकि यह अच्छी है, बाइनरी बना सकते हैं इसका, तो तब जाके फ्यूरी भी मिल जाते हैं एंड देन डैमेज तो तगड़ा ही हो जाता है इसका। लेकिन मैं सोच रहा था कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर को अपग्रेड करूँ, लेकिन मेरे पास कैटलिस्ट नहीं है। लेकिन कैप्टन मार्वल को अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है तो आराम से इसको रैंक थ्री पे कर सकता हूँ मैं। इसी को अपग्रेड करें क्या, मैं सोच रहा हूँ इसी को अपग्रेड कर ही देते हैं यार। इसको अपग्रेड मेरे इन्वेंट्री में मुझे देखना होगा कि कौन से कॉस्मिक के ही पड़े हैं, वैसे भी कॉस्मिक के मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मार्वल को, मैं कैप्टन मार्वल को रैंक थ्री पे लेके जा रहा हूँ। लेवल अप इवेंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ से सीधे जाएंगे ड्यूअल पे, ड्यूअल करने। आज मैं फोर स्टार के साथ ही ड्यूअल करूँगा, अपने मतलब अपने पास फोर स्टार चैंपियन ही रखूँगा, फाइव स्टार नहीं यूज़ करूँगा। ये मैं अपने आप के लिए एक चैलेंज ले रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और एंटरटेनमेंट मिले, आप लोगों को और मज़ा आए वीडियो देखने में। इसलिए मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ, मैं कोई हवा में नहीं उड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं चैलेंज देना चाहता हूँ फोर स्टार से। अब मैं सिक्स स्टार या फाइव स्टार के चैंपियंस मारना चाहता हूँ ड्यूअल करके। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ही सीखूंगा। एंड देन यहाँ पे 44 लेवल मैंने बहुत जल्दी इसको कर दिया, मुझे लगा नहीं था इतना कर दूंगा मैं इतना जल्दी। एंड कॉस्मिक के यार बहुत सारे थे मेरे पास। एंड देन यहाँ पे फिर से स्किल के आ चुके हैं और मुझे स्किल के अपग्रेड करने पड़ेंगे, लेकिन मैं बेसिक यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिल्टर लगा लेते हैं, बेसिक ले लेते हैं एंड देन बेसिक क्लेम कर लिए मैंने। और मुझे लगता नहीं है लेवल अप इवेंट पूरा हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे दो से तीन माइलस्टोन तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे हमने एंड देन रैंक थ्री फुल मैक्स पे हो चुकी है ये। टायर फोर की कोई चिंता नहीं है, अपने पास बहुत सारे क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स पड़े हैं टायर फोर के और क्लास के भी बहुत सारे, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स मैं फुलफिल कर सकता हूँ, बस ये यहाँ पे चिंता आएगी टायर टू अल्फा की जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक भी रेडी नहीं है, तो इसको तो मैं रैंक अप नहीं कर सकता अभी फिलहाल। एंड मैं किसी और को कर सकता हूँ क्या रैंक अप, मेरे को एटलीस्ट देख लेते हैं। चार माइलस्टोन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, बस हमें पांचवा करना है। तो चैंपियंस पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं किसको हम लेवल अप कर सकते हैं थोड़ा बहुत जिससे हमें फ़ायदा हो, जल्दी से जल्दी ये लेवल अप इवेंट जो है कंप्लीट हो जाए। कौर को कर दे क्या, डिफेंडर अच्छा है ये, कौर को कर सकता हूँ मैं, डिफेंडर है, वॉर का डिफेंडर है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को कर दिया जाए क्या अपग्रेड। चलो कौर को ही करते हैं, ओके देन मैं कौर को कर रहा हूँ क्योंकि स्किल के मेरे पास ISO बहुत सारे पड़े हैं जो कि चार दिन में एक्सपायर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता चार दिन में मेरे स्किल के एक्सपायर हो, यहाँ पे स्किल का ही यूज़ करूँगा मैं, सिर्फ बेसिक वाले नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि बेसिक हर किसी में लग जाता है, स्किल तो स्किल में ही लगेगा, इसलिए सबसे पहले स्किल के ही यूज़ करता हूँ। यार अब मैं अनेबल स्मार्ट सिलेक्शन नहीं करने वाला, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक वाले भी चले जाएंगे साथ में, क्लेम कर लेते हैं। आई थिंक फाइव माइलस्टोन शायद से कंप्लीट हो गया होगा, वेट लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं मैं ना इसको फोर रैंक फोर पे है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे एक बार और क्लेम कर लेते हैं। चार दिन में एक्सपायर हो जाएंगे भाई ये, इसको कर ही देते हैं मैक्स लेवल पे, कर ही देते हैं यार क्योंकि डिफेंडर भी अच्छा है तो हमें किल्स भी दिलवाएगा वॉर में। मैं इसको कर ही देता हूँ यार, पूरा का पूरा इसको कर देता हूँ मैक्स लेवल पे। अपने पास स्किल है के इतने सारे ISO है, मैं नहीं चाहता वेस्ट हो जाए, वेस्ट होने से अच्छा है यूटिलाइज कर लो। एंड देन यहाँ पे मैं सारे के सारे क्लेम कर लेता हूँ, चार दिन में सारे के सारे चार दिन में एक्सपायर हो रहे हैं भाई, ओके। तो यहाँ पे
रैंक 4 मैक्स लेवल पे हो चुका है हमारा कॉर्ग, एंड माइलस्टोन भी कंप्लीट हो गए होंगे। टायर 4 का एक ही बच गया, माइलस्टोन कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे। एक ऑफर आया है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो कंप्लीट तो हो चुके हैं माइलस्टोन। मैं आप लोगों को माइलस्टोन दिखा देता हूँ, अनकलेक्टेड वाले को माइलस्टोन क्या मिलते हैं लेवल अप को कंप्लीट करने के बाद। जो भी हमेशा जो आता है ये मेरे को माइलस्टोन मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये 3 ISO मिल जाते हैं, 3000 के टायर 4 के ISO मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको टायर 3 का, टायर 3 क्लास का हमको कैटलिस्ट मिलता है यहाँ पे, 3 उसके वो मिलते हैं। एंड देन मेरे को एक रिवाइव मिलता है साथ में, 1800 मेरे को टायर 4 के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे मुझे 10 मिलते हैं टायर 4 क्लास कैटलिस्ट फ्रेगमेंट मिलते हैं, और 25 यूनिट मिलते हैं। एंड देन 1650 की मेरे को लेवल 3 की हेल्थ पॉड मिलती है। यहाँ पे टायर 2 अल्फा के 600 फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। तो ये अनकलेक्टेड वाले को मिलता है, मुझे नहीं पता इसके हायर क्या मिलता है, लेकिन अनकलेक्टेड वाले को ये मिलेगा। एंड कंक्यूरर वाला भी मेरे को पता था, कंक्यूरर में बहुत कम रिवॉर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे लेवल अप हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अब चलते हैं डुअल्स में। डुअल्स करते हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट फुल है गाइज, मेरी फ्रेंड लिस्ट फुल है, इसलिए मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 49 बंदे हैं, एक बंदा की स्पेस है, तो मैं करूँगा किसी ना किसी को एक्सेप्ट। इसलिए 21 रिक्वेस्ट मेरे को आई है, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई, 21 की 21 नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी सारी है, कोई ऑफेंड मत होना कि भाई ये जानबूझ के ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें कर नहीं रहा है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपनी फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुकी है। आप मेरे को लाइन पे ज्वाइन करो ना भाई, लाइन पे फ्रेंड बन जाते ना। तो डुअल करते हैं, सबसे पहले डुअल करने वाला हूँ मैं Captain786YT के साथ में। इनका ह्यूमन टॉर्च है, इन्होंने मेरे को चैलेंज दिया है कि ह्यूमन टॉर्च मेरे मेरे साथ डुअल करो, तो मैं इनके साथ डुअल करूँगा। ह्यूमन टॉर्च है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 4 स्टार का ही लेना है मुझे। एल्सा ब्लड स्टोर से काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए मैं PG को ले आया हूँ। इससे भी आसान ही है वैसे, मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही मार दूंगा। ओके, 4 जजमेंट बन चुके हैं, आर्मर ब्रेक मिल जाएंगे आराम से। 5 6 मिल गए, हट तेरी तो ऐसे। ओके, बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हमने इसको मार दिया है। चलते हैं नेक्स्ट ड्यूअल पे। ओके, तो गाइज अगला जो ड्यूअल करने वाला हूँ वो है एगोन के साथ में। इनका फैल्कन है 6 स्टार का, रैंक 3 का डुप्लीकेट है। ये मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने फैल्कन से डुअल नहीं किया है, वो भी 6 स्टार की, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ये। मैं करना चाहता हूँ, मैं 4 स्टार का एपोक्लिप्सी ले जाऊंगा। ओके, लेट्स सी, देखते क्या होता है। स्पेशल 2 के बाद स्पेशल 1 दूंगा, एंड देन हैवी देने की कोशिश करूंगा इसको, ताकि बफ जो है वो रिफ्रेश होते ही रहे। अपॉक को लाने का एक मकसद था, देखो यार ये ब्लीड से इम्यून हो जाता है, एंड देन क्लास एडवांटेज भी था, तो मैंने सोचा यार थोड़ा तो एडवांटेज होना चाहिए ना। ओके, डी जनरेशन मिल चुका है इसको, एंड देन मैं अब स्पेशल बंद दूंगा ताकि पॉइजन भी मिल जाए, एंड देन सोच रहा हूँ पहले रिफ्रेश कर दूँ। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं, बहुत बढ़िया, अब स्पेशल 1 भी दे देंगे। रीजनरेशन क्या मार रहा है भाई, रीजनरेशन देखो इसका। ओके, पॉइजन भी बहुत आसानी से दे दिया इसको, आई थिंक डेड होना चाहिए। ओके, डेड हो चुका है, बहुत आसानी से मार दिया इसको। चलते हैं अगले डुअल पे। ओके, तो गाइज अगला जो डुअल मेरे को चैलेंज दिया है वो है रिट्स। इन्होंने मेरे को चैलेंज दिया है कि मेरे एपोकलिप्सी से लड़ो, डुअल करो। 6 स्टार का है, रैंक 3 है, डुप्लीकेट नहीं है, तो ये लड़ना पड़ेगा। 6 स्टार का है, मैं सोचा हूँ 4 स्टार का अपना कौन सा ले जाऊँ। ओके, तो मैं CG को लेके आया हूँ, CGR को लेके आया हूँ, ताकि हाई डैमेज हो उसको, इसलिए लेके आया। भाई उसकी डैडी नहीं हो रही, हेल्थ ही नहीं जा रही भाई, क्या है भाई, किस मिट्टी से बना है वे। 4 जजमेंट दिए मैंने इसको, लेट्स सी देखते कितना डैमेज होगा। 81, और है भाई मैं डेक्स करने की कोशिश कर रहा था यार, शिट वो डेक्स में मेरे को आके मार गया। डेक्स नहीं मतलब पीछे होने की कोशिश कर रहा था मैं, डेक्स में क्या बोल रहा हूँ, डेक्स भाई, डेक्स से उल्टा इसका वो कम हो जाएगा। 5 आर्मर 6 आर्मर ब्रेक 4। ओके, 49 है, वे
वेट अ सेक, मैं इसको हैवी देता हूँ पहले। स्पेशल थ्री मारूँ क्या? मारने के लायक ही नहीं छोड़ा। ओके ओके ओके, डन 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 भाई, सही है सही है। ये चैलेंजिंग था, थोड़ा मार पड़ गई इसमें, लेकिन कोई नहीं यार, अच्छा खेला हमने भी, अच्छा खेला, और सामने वाले के ओपोनेंट ने भी बहुत अच्छा खेला। अगला जो चैलेंज मिला है वो है नाइटमैन 1 से मिला है मेरे को, कि निक फ्यूरी से लड़ो, रैंक 3 का है। वैसे आसान ही होगा यार, क्योंकि ये रीजनरेशन भी नहीं करेगा, बहुत आसान होगा भाई। मेरा हैवॉक रैंक 3 पर है, ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत अपने को चैलेंज दे रहा हूँ मैं। लेट्स सी, देखते क्या कर सकते हैं। उसका सामने वाले का 5 स्टार रैंक 3 पर है। अरे नहीं, कोई नहीं, पड़ जाती है। एपोक्लिप्स के साथ अच्छा खेला था यार मैंने, बट मेरे को मैंने सोचा जल्दी मर जाएगा, बट नहीं मरा वो जल्दी। देखो वो बना लेने चाहिए थे अपने पूरे जजमेंट, कोई नहीं। चार्ज हो गए भाई बंदे के, मार दूंगा स्पेशल, डेड हो जाएगा स्पेशल पे। नहीं ऐसे ही लड़ते, स्पेशल पे बहुत इजी पड़ जाएगा भाई। ठीक है कोई नहीं, मार ले मार ले। 8 चार्ज हो चुके हैं, वैसे अनब्लॉकेबल तो नहीं बनेगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, मार ले। 12 चार्ज हो गए भाई, क्या भाई स्पेशल मारे जा रहे हैं, क्या अनब्लॉकेबल हो जाए। ओके डन, कितनी हिट्स में मारा मुझे नहीं पता, लेट्स सी देखते हैं। एक हिट पड़ भी गया था मुझे, 7 हिट पड़ी थी, 48 हिट्स में इसको मार दिया हमने बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं एक्ट 5 में और वहाँ पे कंप्लीट करते हैं पाथ को। तो मैं आ चुका हूँ एक्ट 5 की चैप्टर 1 की सेकेंड क्वेस्ट में आ चुका हूँ। मेरे को ये खेलना है, जो पाथ मैंने चूज़ किया है उसके हिसाब से मैंने टीम रख दी है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने आसानी, कितनी देर में मार लेंगे, मुश्किल आएगी या नहीं आएगी। वैसे जो मैंने पास चूज़ किया उसमें मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए, लेट्स सी देखते हैं। पहले ग्वेन पूल के साथ फाइट है, ग्वेन पूल ही है ना नाम उसका, हाँ ग्वेन पूल के साथ फाइट है। इसके लिए मैंने कॉलोसस रखा है, ग्लोबल नोड लग क्या लगे हैं तो चैंपियन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, 37,000 की हेल्थ है, 3,000 का डैमेज है भाई। एक टाइम होता था जब मुझे इतना मुश्किल लगता था ये सब फाइट करना, अब मेरे को इतना मुश्किल लग नहीं रहा है, मतलब मुश्किल क्या, मेरे को डर भी नहीं लग रहा है। एनीवे चलो देखते हैं फाइट में क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पेशल 2 मारेंगे हैवी चार्ज करके, अगर बच गई वहाँ तक। कोई बूस्ट मैंने यूज़ नहीं किया, मैं आप लोगों को बता दूंगा इस फाइट के बाद, आप लोग गलत ना समझना कि बूस्ट यूज़ किया है, बूस्ट कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ तेरी तो। ये रहा स्पेशल एंड डन, मर जान। अरे मरी नहीं, मर गई भाई, ये मरनी चाहिए थी, मरी क्यों नहीं एंड में, पता नहीं यार। चलो एनीवे छोड़ो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी बूस्ट यूज़ नहीं किया है मैंने, तो ठीक है बिना बूस्ट के चल रहा हूँ। एक्ट 5 का चैप्टर 1.2 है, ठीक है, तो बूस्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीपोर्ट होते हैं, अब मेरे को गिलोटाइन से लड़ना है, इसके लिए मैं ह्यूमन टॉर्च लेके आया हूँ। प्री फाइट एबिलिटी यूज़ नहीं करूँगा, देखता हूँ कहाँ पे यूज़ करना है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। बॉस फाइट पे मुझे नहीं पता कि कौन सा लोकल नोड होगा, इस पे क्या लोकल नोड लगे हैं वो देख लेते हैं पहले। हैवी हिट जो है वो अनस्टॉपेबल है, ठीक है, कॉम्बैट पावर है इसका, एंड देन वही है बस, हैवी से बचना होगा। और ब्लीड एबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, 40%, 43,000 की हेल्थ है एंड 3,600 समथिंग का डैमेज है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ये मैं स्पेशल सोलो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहा हूँ तभी, भाई इसमें तो छोड़ा भी नहीं, आते आते ही फेंक दिया इसे मेरे को, तेरी तो गलती से मेरे स्टार्टिंग में पैरी नहीं कर पाया मैं, हट तेरी, क्या यार गलती हो गई, उसके ब्लीड नहीं मार दिया मेरे को, देखते क्या होता है, मरेगा कि नहीं, मर जा मेरे बाप।
चल मर गया मर गया। ओ 2% बचा है मेरा ह्यूमन टॉर्च। भाई साहब क्या बात है, कितने 3 हिट्स पड़ी थी मेरे को, 3 या 4 हिट पड़ी होंगी, पूरे का पूरा ह्यूमन टॉर्च खा गई यार। अभी तो पूरा पास पड़ा था यार। लेट्स सी, देखते हैं अब वेनम को लेके आया हूँ स्पाइडरमैन के लिए। देखते हैं, ज़्यादा रेटिंग है भाई इसकी तो, 45,000 की हेल्थ है, 4,000 कुछ का डैमेज है इसका। लोकल नोड क्या है इसके, वही है ट्रिगर 20% क्रिटिकल है इसका, 100% क्रिटिकल डैमेज भी देगा ये। ओके चलो, इवेड नहीं करेगा, उसके लिए काउंटर लेके आया हूँ मैं, चलो लड़ते हैं। ओके वो देख रहे हो उसको बफ चढ़ा हुआ है ट्रिवेलिटी का, इसलिए उसके सारे के सारे अटैक क्रिटिकल होंगे। मुझे तुझे टैक्स कर दूँ, नहीं हुआ। इसका स्पेशल वन का टैक्स बहुत मुश्किल है यार, मेरे एटलीस्ट मेरे लिए तो मुश्किल है। अबे आर्मर ब्रेक नहीं हो रहा भाई, इसको हैवी देते हैं। रुको अबे, हैवी ले ले मेरे बाप। ओके ठीक है, ये ले। 31 आर्मर ब्रेक किया है मैंने इसका भाई, 31। अभी भी मर जाना भाई, अभी भी जिंदा रहेगा तो भाई फिर तो नहीं बोलो। 14% बचा है, लेट्स सी देखते हैं मरेगा। 4-1 मर गया, चल भाई कांड हो गया। 38 हिट्स में मैंने मार दिया ना इसको, हाँ ओ 48 हिट्स में मारा है, 4 मेरे को लगी भी थी, स्पेशल वन लगा था ना इसका। ओके नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, देखते हैं किसके साथ फाइट है वो। नेक्स्ट मेरी पनिशर के साथ है, कॉलोसस लाया है मैंने पनिशर के लिए, तो आई थिंक डन हो जाएगा। कॉलोसस मार देगा यार, कॉलोसस 58,000 भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ है। 40% ब्लीड होगा, ब्लीड से इम्यून हूँ मैं वैसे भी। फ्यूरी देखो इसकी 40% ज़्यादा है। ओके 58,000 की हेल्थ है। ओके 2 आर्मर ब्रेक भाई, 2 आर सिर्फ 3% डैमेज हुआ क्या? क्या यार इतना कम डैमेज, 14 भाई मेरे से नहीं होता स्पेशल वन स्काई वेट, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ कोशिश। 15,000 का डैमेज, वाओ 16,000 ऑलमोस्ट 60,000 मार गया। चलो अरे नहीं नहीं इसका वो भी तो है, हाँ तो भूल कैसे गया, 1% पे ये बंदा ऐसे हो जाता है। चल तेरी तो ऐसी की तैसी। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, एक हिट पड़ा था इसमें शायद, 1 या 2 हिट पड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोलोसस है, इसके लिए मैं स्टार्क स्पाइडी लेके आया हूँ मैं। आप भाई पूरा देख के आया था, पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था, बूस्ट कोई लगाया नहीं है, सारे के सारे क्लास एडवांटेज है, इसलिए भाई आसान भी पड़ रहा है और स्किल्स भी डेवलप हो चुके हैं। क्या है, द डिफेंडर इज़ लेस लाइकली टू एक्टिवेट, अच्छा स्पेशल 3 मारेगा ये, स्पेशल डैमेज इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन आर्म, अच्छा आर्मर पे है डैमेज इसका, बाकी सब सेम है ठीक है। 66,000 हेल्थ है एंड डैमेज है 4,200 का हो गया है, तो चलते हैं। अपना भी स्पाइडी रैंक 5 पे कर दिया है मैंने भाई, डैमेज बहुत कम मिल रहा है, अब मिला क्रिटिकल। भाई मैं तो मीडियम यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा क्रिटिकल मिलते हैं, वो बात अलग है कि अभी ज़्यादा मिले नहीं। ओके स्पेशल 1 नहीं मारेगा, हाँ स्पेशल 2 भी नहीं मारेगा ये, देखते हैं भाई कब तक मैं सह सकता हूँ इसको, मार ले मेरे बाप। अच्छा पावर ड्रेन भी तो कर सकता हूँ ना मैं, हाँ मेरे दिमाग से कैसे निकल गया ये। ओके पड़ गई, अरे नहीं यार, अरे भाई क्या कर, अरे शिट यार क्या किया ये तूने, मैं पैरी करने की कोशिश कर रहा था भाई, अरे देखो भाई क्या कर दिया इसने, हट तेरी तो, फटीग लग गया भाई, ऊपर से टू अर्ली कर दिया मैंने, स्कैम हो गया भाई अपने साथ, जैसे सोचा था वैसे नहीं। चलो कोई नहीं, इससे नहीं मरेगा दूसरे से मर जाएगा,
ओके ठीक है, 61 बचा है भाई साहब। यार पावर ट्रेन कर लेना चाहिए था भाई, क्या किया मैंने। मार ले यार स्पेशल टू, जरूरी थोड़ी है तेरे को ऐसे ही मारेगा तू। अरे यार क्या कर रहा भाई, मर गया हूं। काम खराब कर गया बंदा। ओके डन, एक चार्ज यहां पे मिल गया। मैंने सोचा चलो दूसरा चार्ज भी मिल जाएगा, अभी हॉवर्ड द डक के साथ फाइट है हमारी, नेक्स्ट दो चार्ज वहाँ मिल जाएंगे एंड बॉस को हम मार देंगे। मर जाएगा यार बॉस, दो बंदे हैं मेरे पास अभी भी, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पूरी टीम डाउन नहीं हुई है तो यहाँ पे एक चार्ज मिल जाएगा हॉवर्ड से, एंड मून के साथ फाइट करनी है। मून इवेड करता है, मून नाइट है ना बंदे का नाम, ये बंदा इवेड करता है लेकिन ये नहीं। ओके स्पेशल वन अनब्लॉक, लो भाई स्पेशल वन अनब्लॉकेबल है इसका, तो उसको पुश करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी देखते हैं कहाँ तक मैं पुश कर सकता हूँ इस बंदे को। ओके अरे नहीं पहला ही हिट सिर्फ हमको अनब्लॉक कर सकते। हाँ हाँ मार ले मार ले यार, चलो मर गया। नेक्स्ट फाइट है हमारी बॉस फाइट, देखते हैं बॉस पे क्या लोकल नोड लगे हैं वो देखने हैं मुझे, बाकी मारना तो आसान ही है उसको। लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल नोड लगे हैं, लोकल नोड नहीं लगे हैं शायद से। हाँ ग्लोबल नोड है, 60,000 हेल्थ है और यार कुछ खास नहीं है भाई, आसान है मारना यार। दो मेरे पास चार्ज है इसमें, एंड इससे अगर मैंने मार भी दिया, एक बार स्पेशल टू मार दिया ख़त्म हो जाएगा ये। वेनम से ट्राई करता हूँ पहले, यहाँ पहले सीजी से ही ट्राई करूँ, वेनम से मारते हैं क्योंकि ये इवेड करता है। ओके मून नाइट आर्मर ब्रेक, अबे भाई इसकी हेल्थ ही डाउन नहीं हुई पहली हिट में। स्पेशल टू इजी है इसका वेट करना, स्पेशल वन में सारा पता नहीं क्या क्या चक्रियां फेंकते हैं। अरे नहीं भाई स्पेशल टू इजी है भाई, जब भी मून नाइट से फाइट करो उसको स्पेशल टू पे पुश करो, बहुत इजी है स्पेशल टू इजी करना, इवेट करना। डन जा बे, मर ही नहीं रहा है। 20 अब आया ट्रू स्ट्राइक, देख रहे हो कर ले वेट तू। ओ डन, मर गया मर गया, बहुत आसानी से मर गया भाई। ओके तो ये वाला पाथ हमने कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट पाथ लूं क्या। ओके तो गाइज हमारा पहला माइलस्टोन मुझे लगता है अपना कंप्लीट तो हो गया होगा यार, एक माइलस्टोन तो मैंने कंप्लीट कर दिया होगा ना स्पेशल सोलो का। एक मिनट ये क्या हुआ, अच्छा हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एक माइलस्टोन मैंने कंप्लीट कर दिया है, दूसरे में हमको दो फाइटें और करनी है देन दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे ये चाहिए 150 फाइव स्टार के चाहिए कम से कम, 6 माइलस्टोन तो मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ कम से कम। एंड तो पहला हो गया है, दूसरे के लिए दो फाइटें और करनी है। तो गाइज आई थिंक आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे लगता है कम से कम 25 मिनट के ऊपर हो चुके हैं एपिसोड को,
और ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो भाई आप लोग फिर इतना देखते भी नहीं हो यार, पूरा आप लोग देखते भी नहीं हो, पूरी मेहनत फिर बेकार जाएगी। तो गाइज आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ करेंगे, स्पेशल ऑब्जेक्टिव अगर करने होंगे वो करेंगे, नहीं तो हम शांची वाला जो वो आया है, क्या यार शांची का पूरा नाम, इसका क्या है क्वेस्ट का नाम, मैं भूल गया यार, क्वार्टर्स कुछ नाम है ना इसका, शांची जो क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर जो है, इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे, देखेंगे किस हिसाब से क्या करना है। एनीवे आज का, आई होप आप लोगों को आज का गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, अपनी अलाइंस में शेयर करो। जल्द ही मिलूंगा एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।